पिछले 12 साल से, कोई 15 साल से, कोई 14 साल से लेक्चरर हैं जो कि गवर्नमेंट दिल्ली के यहाँ पे काम कर रहे थे, और कल एक नया नोटिस आया है जिसमें पहले 197 कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे, उसमें से 185 कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं, 12 कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को उनका नाम नहीं आया। मैडम, ये आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं पिछले 13 साल से एजुकेशन में काम कर रही हूँ, कल शाम को अचानक ही हमारा एक्सटेंशन आता है जिसमें से सडनली मेरा नाम नहीं, बिना किसी नोटिस के मेरी 13 साल की नौकरी को फुल स्टॉप लगाया जाता है। जबकि आम आदमी पार्टी का एजेंडा यही है कि जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल्स हैं उनको रेगुलराइज किया जाएगा, जबकि हमें वहीं ये एजेंडा कहीं फुलफिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो हम अपनी बात रखने के लिए सिसोदिया सर के सामने हम आए हैं मिलने, पर आज हमें वो नहीं मिल पाए। सिमाब सर, प्लीज आप बताइए। सर, पिछले 10 साल से हम DTT के अंडर में काम कर रहे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी स्किल यूनिवर्सिटी बना दिया है जो सारे कॉलेज उसके अंडर में आ गए हैं, अब तो सारा पावर दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में है, उसके बावजूद ये कॉन्ट्रेक्चुअल के हक में कुछ बात नहीं कर रही है। हमें कल शाम में 6 बजे लेटर दे दिया गया टर्मिनेशन का कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया जा रहा। अब हम कहाँ जाए, सरकार कोई सुन नहीं रहे। हमने कई बार कोशिश किया सिसोदिया जी से मिलने का, केजरीवाल जी से मिलने का, कई बार कोशिश किया, हमें कहीं किसी से कोई जवाब नहीं मिला। मैं इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ, ये आपको 12-15 लोग जो दिख रहे हैं, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये भीड़ में जो 12-15 लोग दिख रहे हैं, 12-15 नहीं है भाई साहब, ये 200 हैं, 200 के साथ 200 परिवार हैं, और वो 12 साल से 15 साल से गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के लिए अपने तन मन धन से लगे हुए हैं सारे टीचर। टीचर का काम क्या है, सुदीप सर बहुत अच्छे से बताएंगे। सुदीप सर बताओ यार, ये क्या हो रहा है हम लोगों के साथ, ये ऐसी नाइंसाफी क्यों की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा हमारे साथ? 2009 से लेकर आज तक 2021 तक कोई परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं की गई। ओके सर, 2011 में आखिरी कॉन्ट्रेक्चुअल की रिक्रूटमेंट हुई थी, 2011 में, 12 में परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं हुई, 13 में नहीं हुई, 14 में नहीं हुई, 15 में नहीं हुई, 2016 में नहीं हुई, 17 में नहीं हुई, 18 में नहीं हुई, 19 में नहीं हुई, 20 में नहीं हुई, 2021 में नहीं हुई, और अब 2022 में 10 से 12 साल के बाद DSU कहता है कि अब हम परमानेंट रिक्रूटमेंट करेंगे, आप लोग भी सेम परमानेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बैठ जाइए। जो इंसान 12 साल से आपके यहाँ नौकरी कर रहा है उसको आप कह रहे हैं कि फ्रेशर के साथ आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिए, इंटरव्यू में बैठिए, और अगर आपका होता है तो ले लीजिए। सीटें कितनी निकाली है, मैं मैकेनिकल में हूँ, मैकेनिकल की 2 जनरल सीटें हैं, मेरे अपने कॉलेज में 3 लोग काम करते हैं, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि सबका हो जाएगा। 12 कॉलेज हैं दिल्ली के अंदर, 12 कॉलेज हैं आपको बता दें। हाँ जी, और इन कॉलेजेस में पिछले इतने साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि अब आप लोग निकल जाइए, हम तो परमानेंट रिक्रूटमेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स को कंटिन्यू नहीं करेंगे। हमने पिछले 1.5 महीने से बहुत कोशिश कर ली सिसोदिया जी से मिलने की, CM से मिलने की, MLA से मिले, हम राजेंद्र पाल गौतम जी से मिले, MLA द्वारका से मिले, वहाँ पर अपनी एप्लीकेशंस दे दी रजिस्ट्रार और रूटी को, DSU के जो है वो तो हमारी बात नहीं सुनते हैं, कोई भी मिनिस्टर हमारी बात नहीं सुन रहा है, हमें मिलने का टाइम भी नहीं दिया जा रहा है। हम इतने समय से सिर्फ टाइम के लिए ही पीछे भाग रहे हैं कि हमें 5 मिनट दे दिए जाए, हमारी बात सुन ली जाए। अब कल हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है 28 फरवरी को, और उसके में हमें जो हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट है पॉलीमर डिपार्टमेंट, उनको निकाल दिया गया है, उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हुआ है, और बाकी के जो लोग हैं उनको कह दिया गया है कि आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा रहा, 6 महीने का दिया जा रहा है, और उस 6 महीने में भी जब भी रिक्रूटमेंट हो जाती है आपको निकाल दिया जाए। तो कितने लोगों का भाई साहब, कितने लोगों का घर बार सब हम इसी के भी, हाँ। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम जितने 200+ एम्प्लॉय हैं, लेकिन उनके साथ अगर जोड़ा जाए तो एक व्यक्ति का 4-4 लोग जुड़े घूम रहे हैं। बिल्कुल, तो अगर इस हिसाब से अब देखा जाए, अगर की कोई बच्चों की फीस है, ये 200 लोगों की नौकरी नहीं, कितने 800 लोग, 1000 लोग इस पे डिपेंडेंट है जिसके घर चल रहे थे इस पे, बच्चों की जो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो उनको हम स्कूल में एडमिशन करा चुके हैं, स्कूल वाले अब हम बोलेंगे फीस कहाँ से भरेंगे, हम रेंट है वो हम मकान मालिक हमें घर के बाहर कर देंगे, इसके जिम्मेदार कौन होगा? जब हम इस सरकार के समर्थन में आए थे कि हमने इनको वोट दिया, कि हमें कुछ आशा लगी इनसे कि कुछ होगा हमारा, लेकिन अब बिल्कुल हम निराश हो चुके हैं, हम क्या करें, अब तो हम आत्मदाही कर सकते हैं। सर ऐसा मत बोलिए सर, देखिए जान है तो जहान है, ऐसा मत बोलिए, मैं आपकी बात, आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, और मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी लेक्चरर भाइयों को सभी, प्रदीप सर प्लीज बताइए क्या है आपके मन में, अभी आज के डेट में क्या विचार चल रहे हैं, प्लीज बताइए। सर मेरे मन में ये विचार चल रहे हैं कि इतने साल हमने सर्विस दी और उस सर्विस का हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला, अब हम ओवर एज हो चुके हैं, अब हम कहाँ जाए, कौन हमें, इंडस्ट्री भी हमें नहीं रखेगी। आपके कितने बच्चे हैं सर? मेरे पास 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, आपने क्या फिर ये, मैं आप समझ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अमित सर बताइए प्लीज।
सर जैसा कि इन्होंने एक ये बात भी लिख रखी थी कि जैसे रेगुलर अपॉइंटमेंट होंगे तो आपको निकालेंगे, हमारे यहाँ तो ना कोई रेगुलर आया है टीए में ना कुछ, और एक भी टीए अवेलेबल नहीं है, सारे टीएस को निकाल दिया गया है पॉलीमर डिपार्टमेंट से, और बंद तो कर ही दिया गया है पॉलीमर डिपार्टमेंट को, जो कि पूरी दिल्ली में एक ही जगह पे था पॉलीमर डिपार्टमेंट। ये बहुत गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग यही चाहते हैं कि हमें 5 मिनट दे दिए जाए मनीष सिसोदिया जी के, उनकी मिनिस्ट्री है, उन्हीं के अंदर डीएससी आता है, उन्हीं के अंदर डीटीटी आता है, हमारे इश्यूज सुन लिए जाए। 12 साल की नौकरी के एवज में हमें 12 मिनट तो मिलने चाहिए। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी हर स्टेट में जाके ये बात कह रही है कि हम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को या टीचर्स का जो दिल्ली में देखो क्या स्टेटस है, ये स्टेटस है भाई साहब, दिल्ली के टीचर सड़कों पे हैं, 28 तारीख को उनको कह दिया गया टाटा बाय बाय, 14-14 साल से 15-15 साल से काम कर रहे थे, ये भाई साहब ग्राउंड रियलिटी आपको इस वीडियो में दिख रही है। मैं सबको एक बार कहना चाहता हूँ, प्लीज एक बार इस वीडियो के माध्यम से अगर केजरीवाल साहब सिसोदिया साहब इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज हम लोगों की बात सुनने के लिए, हम ये नहीं कह रहे कि कोई रूल बनाओ कुछ, एक बार बात सुनने के लिए, फेस टू फेस हमारी बात सुनने के लिए एक बार बस।